हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आ गए हो आप सभी के लिए एक बिल्कुल ही नया वीडियो के। तो गाइस, ये वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बनाया गया है और मैं सोच भी रहा था इसके लिए, तो मैंने बना दिया। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि GTA San Andreas लाइट या GTA San Andreas ओरिजिनल में जो इंडियन मतलब बैनर्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, और इसमें मैं आपको इंडियन बैनर पैक भी देने वाला हूँ गाइस। तो चलिए देख लेते हैं अभी। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी बैनर नहीं है, ये सब बैनर चेंज रहेंगे जो भी आप यहाँ सामने देख रहे हो। मतलब ज़्यादा बैनर्स नहीं है, आपको नाम सर्च करना पड़ता है उस हिसाब से। तो अभी मैंने कम से कम 25 बैनर्स नए मैंने इंडियन बैनर्स का पैक बनाया है, तो वो भी मैं आपको दे दूँगा। तो गाइस, ये जो अभी प्रॉब्लम आई थोड़ा सा, ये जो बेकार अभी चमक रहा था, तो यार इसके लिए सॉरी, क्योंकि भाई जो मैं पहले यूज़ करता था वो था GTA San Andreas लाइट, और मेरा एंड्रॉयड वर्जन था 6.0। तो एंड्रॉयड 7.1 में अभी मैंने अपडेट कर लिया है। तो गाइस, अगर आपके किसी में आपको मतलब आपके पास रेडमी 4 है तो प्लीज़ जाके अपडेट कर लीजिए। और भाई, अगर आप अच्छे से गेम चलाना चाहते हैं तो प्लीज़ मत अपडेट कीजिए भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, प्लीज़ अपडेट मत करना अपना एंड्रॉयड, क्योंकि भाई इसमें जो GTA San Andreas है ना, हमारा बहुत ही हैंग करता है, लैग करता है और बहुत ही जल्दी क्लोज हो जाता है। इसलिए मैं आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए अलग बता देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, और इंडियन बैनर पैक भी आपको मैं दे देता हूँ। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं। यहाँ पर हमें चल जाएगी और आप डाउनलोड कर लीजिए भाई इंडियन बैनर पैक। तो गाइस, ये इंडियन बैनर पैक मेरा यहाँ कुछ इस तरीके से डाउनलोड है। ये आ गया भाई, यार ये लिखा है भाई इंडियन बैनर पैक 9.5 MB का है। तो इसको आप एक्सट्रैक्ट हेयर कीजिए और अप्लाई रिप्लेस बोल रहा है मुझे। अब यहाँ पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड है बाय विधान। गाइस, ये जो नॉइस आ रहा है भाई, इसके लिए सॉरी, थोड़ा घर के रोड के किनारे घर, इसलिए सॉरी। तो यहाँ मैंने बाय विधान लिख दिया, पासवर्ड आपने अच्छे से लिख लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में पासवर्ड दे दूँगा। तो गाइस, इस प्रकार से कुछ बैनर्स है, आपको मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया है, इसमें से मतलब काफ़ी सारे बैनर्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे। WWE के सुपरस्टार्स के बैनर्स भी हैं गाइस इसमें, जो हमारे डेली TV पर एड्स आते हैं वो बैनर्स, मतलब ऑल टोटल इंडियन बैनर्स हैं। तो चलिए इंस्टॉलेशन अभी देख लेते हैं। तो आप अपना TVG 2 ओपन कर लीजिए गाइस। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन पहले से चल रहा है, मैंने अभी इंडियन बैनर पैक इंस्टॉल करा था इसलिए पहले से चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लोज कर देता हूँ। अब जरा मैं चले जाता हूँ अपने TVG 2 में। तो यहाँ पर आप चले जाइए, TVG 2 का नया अपडेट आ गया है, तो बहुत जल्दी फास्ट है इंस्टॉल होते हैं टेक्सचर। तो गाइस, यहाँ पर चले जाइए और यहाँ पर चले जाइए आप फ्रॉम इमेजेस और अनकम्प्रेस विदाउट अल्फा। तो गाइस, यहाँ पर हमने एंड्रॉइड फोल्डर में सारे एक्सट्रैक्ट करके रखे थे, तो यहाँ कर लीजिए सिलेक्ट ऑल एंड राइट क्लिक कर दीजिए। एंड गाइस, इसको टेक्सचर साइज, अगर आप चाहते हैं कि भाई बहुत अच्छे बैनर्स दिखें तो टेक्सचर साइज कम मत कीजिए और बढ़ा दीजिए। और भाई, जल्दी इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा टेक्सचर साइज कम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको बाकी बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ हमारे टेक्सचर जो हैं इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब देखते हैं भाई आया है कि नहीं आया है। ये सभी वही नाम से आपको दे चुका हूँ। अगर आपको अपने खुद के बनाना है तो आपको इन्हीं नाम से सर्च करना होगा और इन्हीं के ऊपर रिप्लेस करना होगा अपने टेक्सचर साइज। तो चलिए अभी हम अपने गेम में देख लेते हैं आया कि नहीं आया। यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे जो हैं बैनर्स वो है आ चुके हैं। मैं थोड़ा यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये WWE वुमन सुपरस्टार का पोस्टर है, बैनर है। अभी वो थोड़ा आगे चल के हम देख लेते हैं। ये देख लो गाइस, ये हमारा दूसरा पोस्टर ही दिख रहा है। तो ऐसे ही इस सिटी में हर जगह पोस्टर ही पोस्टर आपको नज़र आएंगे जो हमने डाले हैं। तो गाइस, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।